नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक अटैची गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि पास के जिले गोरखपुर और कुशीनगर जनपद से दमकल की गाड़ियों को मंगाया गया। घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस भीषण आग को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने खुद कमान संभालते हुए मानव श्रृंखला बनाकर बाल्टी से आग पर पानी फेंकवाया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली के पूर्वा चौराहा स्थित इंडस्ट्रियल स्टेट, जहां उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक अटैची के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। भीषण आग और धुएं के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान जब गाड़ियों में पानी खत्म हो रहा था तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों और लोगों की मदद से मानव श्रृंखला बनाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस बाबत जिलाधिकारी का कहना था कि एक अटैची फैक्ट्री में आग लगी है। आग इतनी भीषण थी कि बगल के जिलों से गाड़ियां मंगानी पड़ी। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पे एसपी साहब और मैं, हम लोग मौजूद हैं और तमाम जो फायर फाइटिंग की मशीनरी है, फायर विभाग और आसपास के जनपदों से भी, कुशीनगर और गोरखपुर से फायर टेंडर को बुलाया गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों ने बड़ा सहयोग किया इसमें और खुद बाल्टी उठा उठा के, उससे भी बहुत असर पड़ा है। और मैं इसी मौके पर अपील भी करना चाहूँगा लोगों से कि जैसे ही आग लगे अपने आप को सुरक्षित भी रखें, लेकिन तत्काल प्रशासन पुलिस को सूचना दें और इसमें जो आग की रहती है उससे दूर रहें, यदि कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। आग कहाँ लगी है? ये सूटकेस की फैक्ट्री है और इसके ठीक पीछे एक बड़ा 33 KVA का बिजली घर है, और इसलिए बहुत ही खतरनाक था। तत्काल जो है उस पर फैक्ट्री में फायर पे नियंत्रण कर लिया गया। करीबन 2 घंटे हमें लगा है और अभी भी हल्की फुल्की आग बुझी नहीं है, तो उसको आधे घंटे में बुझा लिया। जनपद बड़ा है, फायर की गाड़ियां हैं। हाँ, उसमें हमें मिला भी है और आगे भी मिलेगा। विधायक निधि से हमें फायर टेंडर मिल रहा है और भी हम लोग मांग करेंगे जो जल्दी से जल्दी हमें फायर टेंडर मिल भी जाएगा। कितनी गाड़ियां लगी थी? करीबन यहाँ 8 गाड़ियां लगी थी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।